हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय गणित कक्षा पहली सप्ताह सत्रह की वर्कशीट बच्चों उप है गणना दस से पंद्रह तक तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बच्चों पहला प्रश्न है गिने जोड़े और फिर नीचे दिए गए रिक्त स्थान भरें तो देखिए बच्चों आपको यहाँ इनको गिनना है ठीक है इनको क्या करना है बच्चों फिर जोड़ना है और आपको जो रिक्त स्थान दिया गया है वहाँ पर इनकी गणना करके लिखनी है ठीक है बच्चों तो पहला है देखिए बच्चों हमने इन्हें गिना कितने हैं ये दस और ये है एक कितने हो गए कुल ग्यारह ठीक है इसी तरह से आगे अब हम चलेंगे तो बच्चों ये कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये हैं दस और ये कितने हैं दो तो दस और दो कितने हो गए बारह ये कितने हैं बच्चों देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये हैं दस ये कितने हैं एक दो तीन तो दस और तीन तेरह अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो ये बिल्कुल सही है इसी तरह अगला एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये हैं दस एक दो तीन चार ये हैं चार तो दस और चार चौदह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ये कितने हैं एक दो तीन चार पाँच तो यहाँ हमने लिखा पाँच एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो ये हो गए कुल पंद्रह इसी तरह अगला है बच्चों बड़ी संख्या वाली गेंद को कॉपी में बनाए और उसमें रंग भरें तो बच्चों देखिए बड़ी संख्या वाला कौन सा आ, हमारा गोला है तो देखिए दस पंद्रह ग्यारह और चौदह में से सबसे बड़ा कौन सा है पंद्रह इसमें आप सभी रंग भरेंगे और अपनी कॉपी में बनाएंगे इसी तरह ग्यारह चौदह तेरह बारह में से चौदह सबसे बड़ा है और तेरह बारह दस और ग्यारह में तेरह सबसे बड़ा है अगला है गिनकर लिखो तो ये कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो हमने यहाँ पे दस लिख दिया अगला एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो यहाँ लिखेंगे हम बारह अगला एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो यहाँ लिखेंगे तेरह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तो यहाँ लिखेंगे ग्यारह यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो यहाँ हम लिखेंगे तेरह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों कितना पंद्रह ठीक है इसी तरह अगला देखिए बच्चों रिक्त स्थान भरें नौ नौ के बाद क्या आएगा दस दस के बाद ग्यारह ग्यारह के बाद बारह इसी तरह ग्यारह ग्यारह के बाद बारह बारह के बाद तेरह तेरह के बाद चौदह इसी तरह बारह बारह के बाद तेरह तेरह के बाद चौदह चौदह के बाद पंद्रह दस दस के बाद ग्यारह ग्यारह के बाद बारह बारह के बाद तेरह इस तरह से आपको इन्हें पूरा करना है अगला है दिए गए चित्र में गोलों की कुल संख्या को गिनें और लिखें अब बच्चों देखिए यहाँ पे गोलों की कुल कितनी संख्या है देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो यहाँ हम लिखेंगे चौदह संख्या कुल है ठीक है तो इस तरह से आप सभी को इसे कंप्लीट करना है अगला है बच्चों जीवन कौशल धारिता को मापने की इकाई का ज्ञान नीचे दिए गए कथनों में वस्तु की मात्रा को मापने की इकाई पर गोला लगाएं। एक कप में लगभग डेढ़ सौ मिलीलीटर दूध है तो इसे हमने किस में मापा मिलीलीटर में गिलास में दो सौ लस्सी है इसे हमने किस में मापा मिलीलीटर में थैली में एक लीटर दूध है तो इस हमने किस में मापा लीटर में डिब्बे में एक लीटर जूस है यहाँ पे लीटर मापने की इकाई मग में लगभग पाँच सौ मिलीलीटर पानी है तो ये है हमारी मिलीलीटर मापने की इकाई रिक्त स्थान भरें आपने जाना कि तरल वस्तुओं की मात्रा लीटर व मिलीलीटर में मापा जाता है ठीक है बच्चों अगला है बच्चों जीवन कौशल छोटी-छोटी पर बड़ी बातें जीतने वाले कभी अलग काम नहीं करते हैं लेकिन वे चीजों को अलग तरह से करते हैं खाद्य रंग सब्जी का चीला खाओ खेल दोस्तों के साथ पोशमपा भाई पोशमपा खेले गतिविधि स्वस्थ दिनचर्या का पालन करने के लाभों को परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें दैनिक दिनचर्या निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें प्रतिदिन स्नान करें खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाल बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएँ कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद